और आज मैं आपको कुछ पुराने चेहरों से मिलवाने वाला हूँ। लाल भाई अब आपको 2 हफ्ते रुकना पड़ेगा हमारे साथ। आज आप लोगों को दिखा देता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से हमारा पुराना क्लास रूम। फिर से अटेंडेंस शॉर्ट हो गई है व्लॉग के चक्कर में। 80 रुपए में अटेंडेंस सभी लोगों में सभी लोग हमकी अटेंडेंस मतलब होते हैं मजे। अरे यार बैग गिरा दिया भाई। आज सारे लोग इधर ही मिलते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुहेल व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो फिलहाल अभी मैं सेंट्रल कैंटीन पर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के सामने और आज मैं आपको कुछ पुराने चेहरों से मिलवाने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? निशाद भाई और आज का हमारा मेहमान हिलाल बॉय। सलाम बॉय। क्या हाल है हिलाल भाई? बस अल्हम्दुलिल्लाह। अरे माशाल्लाह आपके तो गाल बाल। बड़े दिनों बाद हिलाल भाई आज फाइनली क्या क्या चीज आपको यहाँ पर लेकर आई आज ये बता। दोस्तों से मिलना था यार। अबे साले दोस्तों से मिलना था। एक साल बाद याद आ रही है दोस्तों की। देख रहे हो काम से आया अपने हमारे से? कौन से काम से आया? प्रोविजनल लेना है। माइग्रेशन और प्रोविजनल वो भी नहीं होने वाला इसका। क्यों हिलाल भाई अब आपको 2 हफ्ते रुकना पड़ेगा हमारे साथ? नहीं भाई मैं दोबारा आ जाऊंगा। नहीं नहीं 2 हफ्ते रुकना भाई मेरे पास वक्त नहीं है। क्यों नहीं है वक्त? क्या कर रहे हो ऐसा? बिजनेस। अरे है बिजनेस मैन। देख रहे हो बिजनेस मैन भी ये सारा काम निपटाते हैं। प्रोविजनल का डिग्री का जो भी होता है भी जाके सीओ ही जाके पता करते हैं और आज बहुत सारे काम करने हैं। मैं कॉल जाके ठीक है शाम से पढ़ाई भी करनी है अभी आया। राइट तो यार अभी चल रहे हैं डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट में जाके हिलाल भाई के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। अरे ये आ गए हम लोग। अब देखो भाई आज आप लोगों को दिखा देता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ये नीचे डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है और ऊपर वाला हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ऊपर आतिफ सर वगैरह खड़े हुए हैं। बाकी ये है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स पूरा और ये हमारा क्लासरूम है। आज आप लोग अपना क्लासरूम दिखाते हैं। चलो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से हमारा पुराना क्लासरूम जो कि अभी खुला हुआ है आज देख लो अच्छे से। देर इधर अपना क्या है ये पुरानी क्लास थोड़ी ऐसी सी हो रही है अभी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से। बाकी के और क्लासरूम दिखाता हूँ मैं आपको। ये क्लासरूम देखो नीचे चलते हैं वापस से। नीचे की क्लासरूम देखता हूँ। कंप्यूटर लैब है यहाँ का। यहाँ पर पहले हम नमाज भी पढ़ते थे। एक रूम ये है यहाँ पर मुझे नहीं पता किस चीज़ की क्लास होती है। इस जगह पर नमाज पढ़ते थे मतलब अब भी पढ़ते हैं। जा नमाज वगैरह इधर रखी हुई है। ये डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से नीचे वाला पूरा एक फ्लोर पर कॉमर्स इधर क्लास है। यहाँ पर वजू बनाते हैं छोटा सा वजू खाना है और ये रिसर्च लैब है। यहाँ का रिसर्च लैब है। सामने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है जो कि पीछे वाला रास्ता है और ये बंद ही रहता है अक्सर। एक और बात बता दूँ मेरी अटेंडेंस फिर से शॉर्ट हो गई है। ओ भाई फिर से अटेंडेंस शॉर्ट हो गई है व्लॉग के चक्कर में और थोड़े से फेस्ट वगैरह कवर करने के चक्कर में मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई है। अब एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा अटेंडेंस के लिए जमा करना पड़ेगा उसके बाद ही मुझे एडमिट कार्ड मिलेगा। काम स्टार्ट होने वाले हैं। अटेंडेंस इतनी कम है कि मैं बता भी नहीं सकता। एफिडेविट ही बनवा लेते हैं अब इतना काम करूँ मैं इधर उधर जाकर। कुछ काम नहीं करने नाम बताने का सोहेल व्लॉग भाई से कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अरे वो तो जानते हैं सब टीचर अंदर बस काम का थोड़ा टाइम चल रहा है इस वजह से व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं और इस वजह से ही कुछ आगे कुछ दिन तक भी व्लॉग नहीं आ पाएंगे। हाँ तो भाई बाबा कुर्रतुल ऐन हैदर ये इतना बड़ा नाम है जो कि मुझसे कभी सही से नहीं लिया जाता लेकिन ओ मेरे क्लासमेट भी उधर खड़े हुए हैं। सब लोग अपने अपने एफिडेविट बनवा रहे हैं उधर। सब लोग शॉर्ट है यहाँ पे सबकी अटेंडेंस शॉर्ट है यार। ये गेट नंबर 4 पे यहीं पर ही एफिडेविट बनते हैं। मेरे आधे क्लासमेट यहीं पर ही खड़े हुए हैं जो अपने अपने एफिडेविट सुनवा रहे हैं। हेलो भाई क्या 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 कर रहे हो यहाँ पर? ₹80 में अटेंडेंस खरीद रहे हो? ₹80 में अटेंडेंस खरीद रहे हो? कौन कौन है? हेलो 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 ऋषभ भाई क्या करवा रहे हो ये बताओ क्या कर रहे हो यहाँ पर? अटेंडेंस सभी की कम है। सभी लोग हमकी अटेंडेंस है में। हेलो भाई बाकी सारी बुक्स इधर मिल जाएंगी आप लोगों को जितनी भी जामिया एंट्रेंस से रिलेटेड हैं जो भी बुक्स यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं वो सब यहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी एफिडेविट्स भी सारे मिल जाएंगे। मोहम्मद सुहेल भाई है ना अटेंडेंस शॉर्ट जी ये जामिया बुक्स एंड स्टेशनरी सेंटर है। बस देखो ये हमारा एफिडेविट बन गया इसे जाके ऑफिस जमा करते हैं और अपना एडमिट कार्ड लेते हैं। इतनी ज्यादा कम नहीं है थोड़ी सी कम है तुम ज्यादा समझ रहे हो तुम लोग ठीक है भाई इसकी बात का भरोसा मत करना। क्या करें देखो तुमने देख लिया कितने सारे लोग यहाँ बैठे हुए थे सभी लोगों की अटेंडेंस कम है ना। मास्टर्स के एम के मतलब होते हैं मजे। कुछ भी सारा हमारा ठिकाना यहीं से और बाहर से होता था।
यहीं से हमारी लस्सी आती थी। इस टाइम पूरा स्टॉक आया हुआ है यहाँ पर। उसमें तो आगे शीशा भी नहीं है, बिना शीशे की गाड़ी है, देख रहे हो भाई। क्या खाने का इरादा है? तू बिरयानी खाओगे? जामिया में अच्छा चल रहा है। एक अपने पास ऑप्शन है आसिफ मुरादाबादी बिरयानी, एक अपने पास गुलावटी बिरयानी, लेकिन मुझे वहाँ पे ज्यादा मजा नहीं आया, मतलब ठीक था। बता दे भाई, तुझे पता है तू एक साल से यहाँ पे, तो मैं जो प्रेफर करूँगा, मैं तो कहूँगा अपनी सेंट्रल की हैदराबादी बिरयानी खाते हैं आज। चलो फिर निशाद भाई, हमारी सुन्नत का तरीका फॉलो करते हुए, ब्लॉग में तो देख लिया था ना बैठ कर पानी। इस टाइम लंच का टाइम है, तो इसलिए सेंट्रल कैंटीन पे हमारे भीड़ हो रखी है। बिरयानी मिलेगी अंदर जाकर, ये पीछे से रास्ता एक गया। तीन हाफ कर दें भाई, तीन लेग है ना भाई, अब जल्दी जल्दी उठा लो। हो गए, चलो पेमेंट भी कर दे निशाद भाई ने। गरम गरम बिरयानी, ठीक है ना? ठीक है। ये हमारे शर्मीले भाई बना कर रहे हैं, खाते वक्त वीडियो नहीं बनानी। भाई ने बोला करने का तो करने का, मैं खा के मिलता हूँ। जब तुमसे हम लोग की पहली बार मुलाकात हुई थी तो यहीं पे टॉप फ्लोर पे हम लोग बैनर लगा रहे थे कोई जेंटो ग्रुप को। ये पूरा नीचे वाला डिपार्टमेंट ऑफ पॉल साइंस है, और ऊपर जहाँ हम जा रहे हैं ये है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। ऊपर जाके मैं अपना एडमिट कार्ड लेता हूँ। ये हमारा कंप्यूटर लैब है, और इस कंप्यूटर लैब में यहीं पर हमारी क्लास चलती है, वैसे कोडिंग वगैरह की जितनी सब होती है, एसी वगैरह सब चालू है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ मैं मैम के आने का, फिर अपना एडमिट कार्ड लेता हूँ। गाइस मेरा एडमिट कार्ड मिल गया है, और ये मेरे दोनों भाई इंतजार करते हुए। हाँ भाई, कितना इंतजार करना पड़ा? बहुत भाई, आज ऐसा लग रहा है कि मैंने पहली बार कोई जंग जीत ली हो, इतना बड़ा काम करा है एडमिट कार्ड लेके। सामने हमारे मेट्रो जा रही है, फटाफट से चलते हैं बाहर और TTI पहुँचते हैं, जो कि हमारा ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एग्जामिनेशन, जहाँ से सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम जितना होता है वो सब वहीं होता है। क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? पहचानता है क्या? अरे यार बैग गिरा दिया भाई, निशाद भाई का बैग गिरा दिया। इसमें क्या था? पानी भी था और बिस्किट भी था। आप देखते हैं बिस्किट टूटे या नहीं, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ सेफ निकल गए बिस्किट। अब बैग पकड़ के बैठना पड़ेगा वीडियो बनाते में। हमारा भैया बैग गिर गया निशाद भाई का, चलते अंदर, जल्दी हो जाएगा काम, मुझे ऐसा लग रहा है। तो TTI आ गए हैं भाई, बिल्कुल विंडो खाली मिली यार, ऐसा होता नहीं है वैसे। तो यार ये है यहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन। यहाँ पर आएगा पूरा डिस्टेंस सेंटर है, काफी अच्छा बना रखा है, सामने लिखा है कश्मीर भाई। यहाँ तो सब बंद है। हाँ तो अभी हम लोग आ गए भैया, मतलब गोला खाने, बर्फ का गोला। हाँ भाई अभी देख लिया था गोला खाते हुए लोग, मैंने देख लिया था भाई, मेरा मन कर गया। TTI से अपने निकले थे, TTI के जस्ट बाहर अंकल जी लगा रखे। अंकल जी वैसे भी यही लगाते हो या फिर जगह चेंज करते रहते हो? यही लगाते हो ना? मेरे कुछ दोस्त हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे भाई गोला कहाँ मिलता है यहाँ पे। अंकल जी ऐसे ही है क्या? और भी लोग आते हैं क्या मेरी तरह? बहुत आते हैं, जलवा है हमारा, यहाँ नहीं आते होंगे यार, कैसी बात कर रहे हो। कैमरे लेके भी आते हैं? बाकी तुम लोग अपना प्यार दिखा देना, अगर आना चाहो तो आ जाना, कोई वो नहीं। अंकल जी के पास पहले से बहुत जनता है आने की। ये जो पूरी यहाँ की जितनी भी जमीन है, जितनी प्रॉपर्टी आप देख रहे हो ना, तो यार ये सारी प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये सारी प्रॉपर्टी उनकी थी। ये उनके नवासे नवासियों की प्रॉपर्टी है, जो कि ये अलग अलग उन लोगों ने अपने अपने बनवा लिए हैं। इस प्रॉपर्टी में पीछे जो हमारे की ये जो एरिया है पीछे का इस जगह पर, तो ये एरिया डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जामिया को डोनेट कर दिया था। अब ये जगह पर डिस्टेंस एजुकेशन का पूरा सेंटर बन गया है। अर्जुन सिंह अकेडमी नाम है ना उसका? Yes, तो उसका नाम अर्जुन सिंह अकेडमी है, जहाँ पर जामिया की डिस्टेंस से पढ़ाई होती है। वो ये पीछे बना हुआ है पूरा डिपार्टमेंट। अखिल भाई मिल गए हम लोगों को, अखिल भाई पीछे देखो। अखिल भाई यार क्या सुन रहा हूँ, फोन चोरी हो गया तेरा? कैसे भाई? इसके फ्लैट से फोन चोरी हो गया यार, मतलब अपना फ्लैट भी सेफ नहीं है यहाँ पर। कुछ बदला हो ना बदला हो, अखिल भाई बिना बैग के कॉलेज में, ये बदल गया परमानेंट है भाई, परमानेंट। ये तो परमानेंट है, अखिल भाई के साथ एक सीन हो गया, वो तो सुन लो इनका। बताना अखिल भाई जरा, बता दो यार। अरे अरे फोन चुर गया, क्या सीन हो, कुछ नया ले लेना यार। बंदे 14 प्रो लिया भी है, वो गायब, फिर ले ले, वो तो ले ही लेगा। अच्छा मैंने तो तेरे पास फोन देखा था, अभी देखी जरा, ये फोन है तो चला तो रहा है, ये स्पीयर फोन था ना मेरा। ये बाकी पूरे दिन इन्हीं लोगों के साथ आज निकल गया, बाकी लोग लाइब्रेरी में वहाँ पर भी पहुँचेंगे, उनसे ही मिलेंगे। ठीक है अभी मिलता हूँ।
आज हमारे अकील भाई खर्चा कर रहे हैं। देखो भाई, अकील भाई ने ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं आज निम्बूज ले लेकर। रेयर केस जो होते हैं ना, वो ये वाले होते हैं कि अकील भाई ने खर्चा कर दिया। देख लो इसका चेहरा, और यूँ बोलेगा आपकी मैं तो सबसे ज्यादा खर्चा करता हूँ। मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा चुप रहा है बेटे। और ये मेरा बेटा फिर से मिल गया, आज देख लेना बड़े दिनों बाद आज सारे सारे लोग मिल रहे हैं। ये मेरा भूरा बेटा, भूरा बेटा। Hi guys, I'm back. Assalamualaikum. He's back. Waalaikum assalam. बहुत 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 time चल रहा है इस time. कौन सा? Bachelor's के बाद Masters में. बहुत फजी पदिया चपाता. ऐसे ये बताओ कौन से देश से घूम के आए हो फिलहाल अभी आप? रशिया. अभी हमारा एक बंदा और आ रहा है ना भाई, और बोल जो सबसे नीचे है लिस्ट। वो लिस्ट चौथे नंबर, कौन से नंबर पर था? पांचवे पे कभी भी। उस बंदे को हम दिखाने वाले, ये है वो बंदा। वालेकुम अस्सलाम। एक थप्पड़ लगा दो इसी बात। अच्छा, मासूम बच्चा है, थप्पड़ तो उसको नहीं करना। इसका पेट दिखाओ, पेट दिखाओ। नहीं भाई, पेट मत दिखाओ। दिखा 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 दिखा, पेट 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 पेट। शादी वादी बाकी है ब्लॉग में, पेट दिखाओ भाई। इसकी शादी बाकी है अभी, इसे शादी, इसे शादी करनी है। अब उमेर भाई से बातचीत करते हैं, बड़े दिनों बाद उमेर भाई भी मिले इन्हें। इस जगह पर ही मैंने आपको सब लोग दिखा दिया भाई, सारे बंदे आज इसी जगह पर दिख रहे हैं। जो मेरे ब्लॉग्स आने में जो लेट हो रहा है, वो सिर्फ इसी वजह से, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं और एग्जाम्स में ब्लॉगिंग बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। तो सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम है, इस पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। रॉयल यार अच्छा नहीं लग रहा है, रॉयल को आना चाहिए था। रॉयल को मैसेज भेज दो, कुछ भेजना है तो। एक मेंबर अपने ग्रुप का कम रहेगा यार, कुछ मैसेज भेज दो फिर रॉयल को। सच में चलना फिर? चले चलो। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? निषाद का दूसरा नाम, मुझे घर जाना है। इंसान ना कभी खुश नहीं होता, इसके लिए मैं सुबह 6 बजे उठाऊँ तब भी मतलब। अच्छा अच्छा, दिन में कितनी बार बोला? दिन में कितनी बार बोला मुझे घर जाना है। जब सामने वाला ये दोनों लाइफ लेसन दे रहे हैं गाइस, सुन लेना तुम इन लोगों के लाइफ लेसन। इनमें से कौन है जो 6 बजे उठ के आया? कौन है इन दोनों में से? 6 बजे उठ के मैं 4 बजे उठता हूँ। यहाँ कौन है? 4 बजे उठाऊँ? 4 बजे उठाने के लिए या मिलने के लिए? मिलने के लिए 4 बजे उठता है। उठ गया ना तो चौथे नंबर पर डाल दूंगा, 5वें नंबर। वीडियो कॉल नहीं, उस दिन तो ऑफिस नहीं जाएगा, 4 बजे उठेगा भाई। देखो हमारे उमेर भाई का स्कैनर काम नहीं कर रहा था, तो उमेर भाई ने हिलाल भाई से कहा स्कैनर का फोटो भेज दो ताकि वो पेमेंट कर सके। लेकिन उमेर भाई ने किसी और से पेमेंट नहीं करने दी, कोई और नहीं करेगा, मैं ही करूँगा। भले उनका फोन खत्म है लेकिन वो फिर भी पेमेंट करेंगे उमेर भाई, है ना। व्हाट्सएप से फोटो मंगाया हिलाल भाई से और अब पेमेंट हो रही है। वाह, उमेर भाई थोड़ा दिलदार इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि उमेर भाई की जॉब लग चुकी है हमारी, और इनकी जॉब का नाम क्या है भाई? एसोसिएट क्लेम्स, है ना। इंश्योरेंस का कुछ काम है जिसमें ये एसोसिएट क्लेम वगैरह का कुछ रहता है। और ये निलाल भाई हमारे स्नैपस्टर, बैठते यार। अब मैं आ गया था इतने सीना ब्लॉग पर, और इधर मुझे कौन मिला? अस्सलाम वालेकुम तंजीम अप्पे, मुबशर भाई अस्सलाम वालेकुम, मारूफ भाई। इन भाई को मैंने कॉल करी थी सुबह, ये भाई साहब बिजी थे पता नहीं कहाँ पर, अब मिले हैं शाम को। और अभी अरशद भी आ रहा है और हिदायत, वो लोग भी अभी आ रहे थे, उनकी कॉल आई थी। आज इतने सारे लोग से मिला हूँ, मतलब मैं रेगुलर आता हूँ क्लास करने तब नहीं मिलता जितना आज सब लोगों से मिल रहा हूँ, इतने सारे लोग। आज हमारे सीनियर्स भी आए हुए हैं। प्रेजेंटेशन है आपकी? ओहो, फिर हमारा जो है ना सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर में ना एक प्रेजेंटेशन बनानी थी, डिसर्टेशन वगैरह, जैसे हमने बीकॉम में हुआ था हमारा, जिसका एक रिसर्च प्रोजेक्ट वाला एक ब्लॉग आया था, ऐसे ही एमएससी में, इसमें बीएफए में होता है, इसमें सारे डिपार्टमेंट के सब एचओडी और सीनियर प्रोफेसर वगैरह सब आएंगे, उन सबके सामने प्रेजेंटेशन देनी होगी। अब भी टॉपर है हमारी और मुबशर भाई, इन लोगों की प्रेजेंटेशन है। कुछ लोग उधर भी मिले थे मुझे अभी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाजी भाई? और गाजी भाई भी मिल गए हमारे। हेलो। तो यार अभी अरशद भाई भी हमारा आ गया है, आज सारे लोग इधर ही मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। ये खड़े हुए अरशद भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाइयो? यहाँ आना कैसे हुआ इतने टाइम बाद? हाँ भाई, तो यार अब हम लोग लेने वाले हैं गेट पर एंट्री, और मुझे लग रहा है गेट कर रहा था बंद। भाई एंट्री तो हो गई हमारी, अब क्योंकि एक 8 नंबर गेट ही है जहाँ पर हम लोग थोड़ा गाड़ी अंदर ला सकते हैं कैंपस में। तो यार हमारे साथ हैं अरशद भाई और पीछे हिदायत भाई, इस तरफ हमारा एमबीए डिपार्टमेंट। राइट, तो यार अभी बस हम लोग निकल रहे हैं, अब अरशद गया है बाहर, इसको छोड़ के अब मैं अपनी बाइक उठाऊंगा, यहाँ से मैं निकलूंगा घर पर। यार अभी इस व्लॉग को एंड करेंगे, तो यार यहाँ पर बहुत घूम लिए, बहुत इधर उधर घूम घाम के आ गए, हिदायत भाई को छोड़ के आ गए, यहीं पर ही व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।